Hello everyone, so today in this video we will start from 2.4 more about salts. In the previous sections we have seen the formation of salts during various reactions. Pichle section mein hum logon ne padha ki salt ka formation kaise hota hai alag alag reactions ke dauran, jaise ki humne padha tha ki acid aur base ko mila karke hum kya bana sakte hain, salt aur water obtain kar sakte hain. Let us understand more about their preparation properties and uses. Ab hum log thode se aur detail mein salts ke preparation ke bare mein, unke properties ke bare mein aur unke uses ke bare mein padhenge. Family of salts. Is topic mein hum salts ke family ke bare mein padhenge ki kitna tarah ke salts hai, unke properties kya hai, wo aapas mein similar hai to kis tarah se hai, ye sare cheez ke bare mein detail mein abhi hum log is topic mein padhenge. Activity 2.13 mein hum log ko kuch सॉल्ट्स का नाम दे रखा है और बोला गया है कि इसका क्या करना है, हम लोग को इसका केमिकल फॉर्मूला लिखने का ट्राई करना है. तो वो आप लोग के स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर स्क्रीन पर भी आ रहा है, वहां से आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा. एक्टिविटी में जो सॉल्ट्स के नेम दे रखे थे वो सॉल्ट्स के नेम और उनका केमिकल फॉर्मूला के साथ यहाँ पे ये लिस्ट है आपके स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करके आप लोग ये लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए पहले. अब बोला गया है कि ये जो सॉल्ट्स हैं, इन सॉल्ट्स के फॉर्मेशन में किस किस एसिड और बेस का जरूरत पड़ा है, किस किस एसिड और बेस के मदद से हम ये सारे सॉल्ट्स को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, वो आप लोग को आइडेंटिफाई करना है. तो उसका भी लिस्ट आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से. तो ये रहा वो लिस्ट एसिड्स और बेसिस का जिसके मदद से हम लोग जो दिया गया सॉल्ट था एक्टिविटी में वो सारे सॉल्ट्स को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. अब दिया गया है कि जिन सॉल्ट्स के सेम पॉजिटिव या फिर निगेटिव रेडिकल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको कहेंगे कि ये सारे सॉल्ट्स एक ही फैमिली ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया गया है सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का. यहाँ पे दोनों में Na और Na क्या है, प्रेजेंट है. ये Na क्या होता है, तो Na सोडियम जो है वो पॉजिटिव होता है, तो Na पॉजिटिव दोनों में पॉजिटिव सोडियम और इसमें भी पॉजिटिव सोडियम प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये दोनों जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है ये एक ही सॉल्ट्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं. क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों के पास सेम पॉजिटिव रेडिकल्स है. यहाँ पर भी Na पॉजिटिव है और इसमें भी क्या है, Na पॉजिटिव है. मतलब सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम पॉजिटिव है और सोडियम सल्फेट में भी सोडियम जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम फैमिली ग्रुप से बिलोंग करते हैं. उसी तरह अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों में एक कॉमन रेडिकल हम लोग को दिखाई दे रहा है, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है ना. क्लोरीन क्या चार्ज है, तो क्लोरीन निगेटिव होता है. तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, निगेटिव रेडिकल प्रेजेंट है, जो की क्या इंडिकेट कर रहा है, जो की इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों सॉल्ट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. अब पूछा गया है कि इस एक्टिविटी में हम लोग सॉल्ट के कितने फैमिली देख सकते हैं, तो लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, आप वहां से आइडेंटिफाई कर ले सकते हो कि पूरे एक्टिविटी में हम लोग कितने सॉल्ट्स के फैमिली को देखे हैं. पीएच ऑफ सॉल्ट्स. अब अगला टॉपिक है हमारा कि सॉल्ट्स का पीएच कितना होता है. अलग अलग सॉल्ट्स हैं, सबका पीएच वैल्यू कुछ नहीं तो कुछ जरूर होगा, अगर पूरा न्यूट्रल है तो 7 होगा, लेकिन पीएच वैल्यू सॉल्ट्स का होगा कुछ नहीं तो कुछ. तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है कुछ सॉल्ट्स का सैंपल, और ये सारे सैंपल को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इस सैंपल का क्या करना है, सोल्युबिलिटी टेस्ट करना है. मतलब ये सारे सैंपल जो है वो वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, पहले वो चेक करेंगे, और वाटर सोल्यूबल है तो आगे फिर चल के इनका क्या करेंगे, हम लोग पीएच टेस्ट करेंगे. वाटर कौन सा यूज करेंगे, तो वाटर यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टिल्ड वाटर. अब यहाँ पे जितने भी सॉल्ट सैंपल दे रखे हैं, सारे सॉल्ट क्या है, सब वाटर सोल्यूबल है या आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे. अब बोला गया है अब इन सॉल्यूशंस का क्या करना है, इन सॉल्यूशन का पहले हम लोग को लिटमस पे चेक करना है कि इनका नेचर कैसा है, ये एसिडिक नेचर के हैं या फिर बेसिक नेचर के हैं. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन सॉल्यूशंस का पीएच चेक करेंगे, किसके मदद से, पीएच पेपर के मदद से. अब जो सॉल्ट सैंपल हम लोग लिए थे उन सॉल्ट सैंपल का नेचर पूछा गया है कि वो एसिडिक नेचर के दिखे हम लोग को, बेसिक नेचर के दिखे या फिर न्यूट्रल नेचर के. और साथ ही साथ बोला गया है कि ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन में कौन कौन सा एसिड और बेस का यूज किया गया होगा, तो वो हम लोग ऑलरेडी एक्टिविटी 2.13 में पढ़ चुके हैं. अब जो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है उनका नेचर के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे कि उनका नेचर जो न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है, और ये नेचर उनका हुआ क्यों,
वो कुछ सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल नेचर के हो गए, कुछ एसिडिक, कुछ बेसिक नेचर के, ऐसा क्यों हुआ, पीछे का कारण क्या है, ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के दौरान जो सॉल्ट हमें ऑब्टेन होगा वो सारे सॉल्ट के नेचर कैसे होंगे, वो सभी सॉल्ट न्यूट्रल नेचर के होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड बना कैसे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में हमें क्या मिला था, सोडियम क्लोराइड और वाटर मिला था। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों किस नेचर के, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जिनके कारण जो सॉल्ट बना उनका नेचर कैसा था, उनका नेचर बिल्कुल ही न्यूट्रल है। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तब जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट हमेशा बेसिक नेचर के होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं सोडियम एसीटेट को, सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है जिसका नेचर कैसा है, जिसका नेचर बेसिक है। अब ये सोडियम एसीटेट सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जब एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया गया एक वीक एसिड एसिटिक एसिड के साथ, तब क्या फॉर्मेशन हुआ, तब फॉर्मेशन हुआ सोडियम एसीटेट का। अब अगर पीएच वैल्यू का बात किया जाए कि सोडियम एसीटेट का पीएच वैल्यू क्या होगा, तो इसका पीएच वैल्यू लगभग 7.5 से लेकर के 8.5 के बीच में रहेगा, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर बेसिक है। अब जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट में सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, तो वो सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में एमोनियम क्लोराइड दे रखा है जो कि एक सॉल्ट है जिसका नेचर कैसा है, जिसका नेचर एसिडिक है। अब ये एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है उसको किसके साथ रिएक्ट कराया गया, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ जब रिएक्ट कराया गया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, एमोनियम क्लोराइड मिला जो कि किस नेचर का है, जो कि एसिडिक नेचर का है। लास्टली हम एक और कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं कि जब वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तब जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट किस नेचर के होंगे, वो सॉल्ट एसिडिक नेचर के होंगे। सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के दौरान सॉल्ट फॉर्मेशन होंगे वो सारे सॉल्ट के नेचर कैसे होंगे, वो न्यूट्रल नेचर के होंगे और उनका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स आर बेसिक इन नेचर विथ पीएच वैल्यू मोर देन 7। जैसा कि हम अभी अभी पढ़े थे कि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो सॉल्ट किस नेचर के होंगे, वो सॉल्ट एसिडिक नेचर के होंगे और उनका पीएच वैल्यू कितना होगा, उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। वही जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा तब जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो सॉल्ट किस नेचर के होंगे, वो सॉल्ट बेसिक नेचर के होंगे और उनका पीएच वैल्यू कितना होगा, उनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा केमिकल्स को हम लोग कॉमन सॉल्ट के मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं। बाई नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें इतना बात समझ गए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन को मिक्स करने पर हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है कॉमन सॉल्ट जो कि क्या है, जो कि सोडियम क्लोराइड है। यही सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है जिसका हम लोग कॉमनली खाने में यूज करते हैं। हम लोग पिछले एक्टिविटी में देखे थे कि सोडियम क्लोराइड का नेचर कैसा था, तो सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट था जिसका पीएच वैल्यू 7 था। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट्स। सी वाटर में क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स पहले से डिजॉल्व हैं और इन्हीं सॉल्ट्स में से सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग को दुनिया के अलग अलग कोने में सॉलिड सॉल्ट का डिपॉजिट भी मिलता है। जैसे कि कोल का डिपॉजिट मिलता है हम लोग को, वैसा ही सॉलिड सॉल्ट का डिपॉजिट भी हम लोग को दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में मिलता है। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। अब ये जो क्रिस्टल्स है डिपॉजिट फॉर्म में जो हम लोग को मिल रहे हैं
उनका कलर कैसा होगा? तो उनका कलर होगा ब्राउन कलर का। किस कारण से उनका कलर ब्राउन हो गया? क्योंकि उनमें कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, जिसके कारण ये सॉलिड सॉल्ट का कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? और इसी को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो जब पुराने पुराने सी जो है वो जब सूख जाएंगे, तो उनके बाद क्या होगा, उनका जो लोअर सरफेस है उनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, उनमें रॉक सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कॉल। रॉक सॉल्ट को कैसे माइंड किया जाता है? तो जैसे कॉल माइंड किया जाता है, वैसे ही रॉक सॉल्ट को भी माइंड किया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब बताया गया है कि दांडी मार्च के दौरान जब गांधी जी क्या कहते थे, नमक बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के, जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण जो सॉल्ट लॉ था वो ब्रेक किया गया था। और इसीलिए बोला जाता है कि सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, उसका हमारे स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन सॉल्ट को किस तरह से अलग अलग केमिकल्स को बनाते समय रॉ मटेरियल के तरह यूज किया जाता है। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेंड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। अब जो कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन हुआ, उस कॉमन सॉल्ट को हम लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं बहुत सारे डेली यूज के मटेरियल्स को बनाने के लिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पर किसको यूज करेंगे, कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम लोग देखेंगे कि इस एक सब्सटेंस के मदद से हम लोग किस तरह से अलग अलग तरह के सब्सटेंस को बना पा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो पहला सब्सटेंस हम लोग बनाएंगे कॉमन सॉल्ट के मदद से वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन इज डिकम्पोज्ड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा, तब वो किसमें बदल जाएगा, तो वो डिकम्पोज कर जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्राइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ उसमें से एक क्लोरीन है और एक अल्कली है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। यहाँ जो अल्कली फॉर्मेशन हुआ है वो अल्कली कौन सा है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब अगर हम लोग नीचे इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा तो क्या ऑब्टेन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होगा, क्लोरीन गैस ऑब्टेन होगा और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगा। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। अब इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो वो प्रोड्यूस होगा एनोड की तरफ। किधर? एनोड की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि एनोड जो है वो कौन सा पार्ट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है और क्लोरीन जो है वो कैसा चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो किस तरफ हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग को एनोड के साइड मिलेगा। उसी तरह हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये किस साइड मिलेगा हम लोग को, कैथोड की तरफ, जो कि क्या है, जो कि निगेटिव टर्मिनल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, तो वो कैथोड के सामने फॉर्म होगा। और इस रिएक्शन के दौरान जो तीनों प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन, ये तीनों प्रोडक्ट क्या है, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, और जो ऊपर हम लोग रिएक्शन डिस्कस किए उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सेटअप में क्या डाला जाता है, सबसे पहले डाला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन,
जो कि यहाँ से हम लोग को एंट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है, इधर से ब्रांड सॉल्यूशन डाला गया। ये जो ब्लू कलर का जितना भी आप लोग को दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये सब क्या है, ये ब्रांड सॉल्यूशन है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद इस सॉल्यूशन में दो टर्मिनल लगाया जाता है, दो एंड लगाया जाता है बैटरी का, एक पॉजिटिव एंड और एक निगेटिव एंड, जो कि यहाँ पे हम लोग एनोड और कैथोड लिखा हुआ देख सकते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, जहां से क्या हो रहा है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन में, ब्रांच सॉल्यूशन में क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। अब दोनों टर्मिनल के बीच एक मेम्ब्रेन लगाया जाता है, जो कि रेगुलेट करेगा कि कौन सा आयन्स को किस तरफ जाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये निगेटिव टर्मिनल वाला सेल है जहाँ पे कैथोड लिखा हुआ है, और इस साइड एरो में आप देख सकते हैं कि कौन सा आयन जा रहा है, यहाँ पे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव जा रहा है, मतलब निगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन सा आयन्स मूव करेंगे, पॉजिटिव आयन्स मूव करेंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन सा आयन्स मूव करेंगे, Cl निगेटिव और OH निगेटिव, मतलब निगेटिव आयन जो है वो किधर मूव करेंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव आयन्स है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और इनको इस तरह का मूवमेंट में हेल्प कौन करेगा, तो ये जो बीच में मेम्ब्रेन लगा हुआ है वो हेल्प करेंगे। अब हम लोगों को एनोड साइड क्लोरीन गैस मिल जाएगा और कैथोड साइड हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी हम लोग को कैथोड साइड में ही मिल जाएगा। ये जो तीनों प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेन हुआ, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों का यूजेज यहाँ पे दे रखा है, आप लोग लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर, अब इस टॉपिक में हम ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, that is brine. अब पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड के aqueous solution के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इसी क्लोरीन गैस का मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाई द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, दो द एक्चुअल कम्पोजिशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स। जब ड्राई स्लेक्ट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब क्या बनता है, तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा CaOH2, जो कि क्या है, जो कि स्लेक्ट लाइम है, उसको किसके साथ रिएक्ट कराए, क्लोरीन के साथ Cl2, तो हम लोग को मिला क्या, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि क्या है, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, और साथ में एक और प्रोडक्ट मिला हमको जो कि क्या है, वाटर है। अब ब्लीचिंग पाउडर का कुछ यूजेज दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ के खुद से याद कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा, अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, बेकिंग सोडा है। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एक्सेट्रा। बेकिंग सोडा का आमतौर पे हमारे किचन में यूज किया जाता है, किस काम के लिए, तो पकौड़ा वगैरह को क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। कभी कभी हम इस बेकिंग सोडा का फास्ट कुकिंग में भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर खाना को जल्दी पकाना है तो हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं कुछ खाना में। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाते समय सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है वो एक रॉ मटेरियल के तरह हम लोग उसको यूज करेंगे, उसके साथ और भी कुछ कंपाउंड्स रहेगा, सबको मिला करके हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे। नीचे इक्वेशन में हम देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया, क्या बनेगा, एमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा बेकिंग सोडा है वो प्रोड्यूस होगा। एक बार इक्वेशन को समझ लीजिएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 फॉर्म्स NH4Cl प्लस NaHCO3। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया मिलाकर के क्या बना, एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। ये फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? इट इज अ माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट। पूछा गया है कि एक्टिविटी 2.14 में हम लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है उसका
पीएच वैल्यू चेक करने के लिए बोला गया था, तो कितना आया था वहां पे पीएच वैल्यू, वहां पे पीएच वैल्यू हम लोग को आया था 9। क्या इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इसका यूज करके? तो हाँ, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है वो 9 है, और 9 पीएच वैल्यू वाले किस नेचर के होते हैं? वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑब्वियस है कि इसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करा के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो कैसा है? वो माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है। मतलब सॉल्ट है, किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है, और साथ ही साथ कैसा है? वो नॉन करोसिव है, मतलब उससे करोजन नहीं होगा। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब जब खाना बनाते समय इसको हीट किया जाता है बेकिंग सोडा को, तब कौन सा रिएक्शन होता है? वो रिएक्शन हम लोग को नीचे दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 when heated, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, मतलब क्या किया जा रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये अकेला एक कंपाउंड है, उसको हीट कर रहे हैं, तब क्या मिल रहा है हम लोग को? मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। बेकिंग सोडा का हमारे हाउस होल्ड में, घरेलू उपयोग में बहुत सारा यूजेस होता है। कुछ यूजेस हम लोग को नीचे दिया गया, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। सो पहला यूज दे रखा है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब बोला गया है कि बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, कैसे? तो बेकिंग सोडा को मिक्स किया जाएगा एक एडिबल एसिड के साथ। माइल्ड एडिबल एसिड दिया हुआ है, मतलब ऐसा एसिड जिसको हम लोग इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, हम लोग जिसको खाते हैं, ऐसा एसिड के साथ उसको मिक्स किया जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है टार्टरिक एसिड का, और दिया गया है कि बेकिंग पाउडर को क्या किया जाएगा, जब इसको हीट किया जाएगा या फिर मिक्स किया जाएगा वाटर के साथ, तब नीचे दिया गया रिएक्शन जो है वो होगा। अब इस इक्वेशन में देख के हम समझ सकते हैं कि जब बेकिंग सोडा को किसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, कोई भी एडिबल एसिड के साथ, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एच पॉजिटिव आयन से वो कहाँ से आया, ये जो एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं उस एसिड से एच पॉजिटिव आयन आया। प्रोडक्ट क्या बना? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और साथ ही साथ क्या बना? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का एक सोडियम सॉल्ट बना। मतलब यहाँ से जो बेकिंग सोडा से जो सोडियम है वो जुड़ जाएगा, और उसके बाद यहाँ का जो एसिडिक ग्रुप था वो आकर के इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को तीन प्रोडक्ट मिलेगा, कब? जब बेकिंग सोडा को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब इस रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक या फिर ब्रेड क्या हो जाता है? वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रीडियंट इन एंटासिड्स, बींग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड बनाने में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर है वो कैसा है? वो अल्कलाइन नेचर का है, जिसके कारण से पेट में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होगा उसके साथ ये रिएक्ट करके उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जिसके कारण हम लोग को कैसा फील होगा? रिलीफ फील होगा। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा। अब इस टॉपिक में हम वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 into 10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। अब सोडियम क्लोराइड के मदद से एक और केमिकल हम लोग बना सकते हैं, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है Na2CO3 into 10H2O। वी हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। अभी हम पढ़े थे कि बेकिंग सोडा को हीट करके हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? हम ऑब्टेन कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद उस सोडियम कार्बोनेट में क्या करना है, उसमें हम लोग को कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब दिया गया कंपाउंड में क्या ऐड कर देना है? वाटर ऐड कर देना है, और उसके बाद हम लोग क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट में कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देंगे, तब क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ये भी एक क्या है? तो ये भी एक बेसिक सॉल्ट ही है। अब इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि सोडियम
कार्बोनेट को Na2CO3 में क्या मिला दिया, इसमें मिला दिया वाटर, तब क्या बना Na2CO3 × 10H2O बना, जो कि हमारा क्या है, जो कि वॉशिंग सोडा है। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट, वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब पूछा गया है कि 10H2O का मतलब क्या है भाई, तो 10H2O का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को सिग्निफाई करता है, हम लोग आने वाला सेक्शन में अभी नीचे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। और पूछा गया क्या ये Na2CO3 को वेट करता है, मतलब गीला कर देता है कि नहीं, तो सारा डाउट हम लोग का भी अगला टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल पर्पजेस एज वेल। सोडियम कार्बोनेट हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इनका केमिकल यूज जो है हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है। कुछ केमिकल यूज वॉशिंग सोडा का यहाँ पे दे रखा है नीचे, ये आप लोग पढ़ करके याद कर लीजिएगा। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, अब पूछा गया है क्या जो सॉल्ट का क्रिस्टल होता है वो सच में ड्राई होते हैं या फिर बस देखने में ऐसा लगते हैं। इस बात का आंसर हम लोग को एक्टिविटी 2.15 परफॉर्म करके पता चल जाएगा। अब एक्टिविटी 2.15 में करना क्या है, तो कुछ हम लोग को क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स लेना है। कॉपर सल्फेट क्या है, तो वो भी एक सॉल्ट ही है, इसका हम लोग को क्या लेना है, क्रिस्टल लेना है। किसमें, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, मतलब सूखा हुआ बॉइलिंग ट्यूब जो टेस्ट ट्यूब है उसी में हम लोग को लेना है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स को। अब हम लोगों को इस कॉपर सल्फेट को क्या करना है, हीट करना है। उसके बाद पूछा गया हीट करने के बाद यहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहा है कि नहीं, तो हाँ कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को हीट करने पे क्या दिखाई देगा हम लोग को, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स टेस्ट ट्यूब में आया कहाँ से, तो कॉपर सल्फेट में वाटर का कुछ मात्रा जो है वो प्रेजेंट है, और वही वाटर प्रेजेंस होने के कारण कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का था। और जब हम लोग इस कॉपर सल्फेट को क्या किए, हीट किए, तो कॉपर सल्फेट कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो क्या हो गया, वो इवापोरेट हो गया, और जिसके कारण हम लोग को टेस्ट ट्यूब पे वाटर का कुछ ड्रॉपलेट्स भी दिखाई दे रहे थे, और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसा हो गया, वो कलरलेस हो गया। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो कि देखने में ड्राई रहता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं। जब हम लोग इसी क्रिस्टल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। इफ यू मोस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर, यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर्स। अब बोला गया है कि अगर हम लोग दोबारा से उस क्रिस्टल में अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल जो है वो अपना ब्लू कलर को वापस से रिगेन कर लेगा। कॉपर सल्फेट का कलर वापस कैसा हो जाएगा, कलरलेस से ब्लू बन जाएगा, जब हम लोग उसमें क्या ऐड करेंगे, कुछ वाटर ऐड करेंगे तब। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 × 5H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब होता क्या है, तो ये फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि एक यूनिट सॉल्ट में प्रेजेंट रहता है। ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, एक सॉल्ट का फॉर्मूला यूनिट में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर का पांच मॉलिक्यूल जो होगा वो प्रेजेंट होगा कितना में, वो एक यूनिट कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो CuSO4 × 5H2O। यहाँ पे CuSO4 किसके लिए है, कॉपर सल्फेट के लिए है, और 5H2O मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट है, जो कि क्या है, जो कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 × 10H2O इज वेट। अब पूछा गया, अब हम लोग जवाब दे सकते हैं क्या, कि ये जो मॉलिक्यूल है Na2CO3 × 10H2O, मतलब जो वॉशिंग सोडा था, वो वेट है कि नहीं। तो देखिए, फिजिकली अगर छूने का बात किया जाए तो ये वेट नहीं है, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स में वाटर प्रेजेंट है। वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट।
एक और सॉल्ट है जिसमें हम लोग को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है, वो सॉल्ट है कौन सा? जिप्सम। फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O। यहाँ पे 2H2 है मतलब कितना वाटर मॉलिकुल्स है, मतलब दो वाटर का मॉलिकुल्स प्रेजेंट है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग इसी सॉल्ट का कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिकुल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 1/2 H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे तब क्या होगा, तब जिप्सम से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, वो लूज करेगा और क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब CaSO4 × 1/2 H2O बन जाएगा वो। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वॉटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके डॉक्टर क्या करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही जगह पे एडजस्ट करते समय प्लास्टर के तौर पे यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और जब इसमें वाटर मिक्स कर देते हैं तो ये वापस से किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है जिप्सम में। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख के समझ सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4 × 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O क्या बना, CaSO4 × 2H2O। यहाँ पे 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O दोनों को ऐड करके कितना बन गया, 2H2O बन गया, और CaSO4 का CaSO4 रह गया। वही क्या हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड किए तो क्या बन गया, जिप्सम बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पाउडर फॉर्म में रहता है, वाटर मिलाने के बाद ये कैसा बन जाता है, ये हार्ड सॉलिड बन जाता है जो कि हमारा क्या है, जिप्सम है। नॉट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज सोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला में आप देख सकते हो CaSO4 × 1/2 H2O, मतलब क्या, मतलब इसमें आधा वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये है कि दो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स को वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब दो फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दो फॉर्मूला यूनिट जो है कॉपर सल्फेट का उनमें कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शेयर करेंगे, एक वाटर शेयर करेंगे, इसलिए कितना कितना हो जाएगा दोनों में, हाफ हाफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे CaSO4 × 1/2 H2O ले रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को टॉयज बनाने के लिए या फिर डेकोरेशन का कुछ सामान बनाने के लिए या फिर सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। अब पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोला जाता है, तो एक सिंपल सा जवाब होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसको हम लोग किसके तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग प्लास्टर के लिए बिल्डिंग्स वगैरह में यूज करते हैं। बाकी कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, इसीलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है।